आज के इस प्रोग्राम में बड़े बड़े मुल्क के उलमा आपके सामने तशरीफ लाए। अभी एक बहुत बड़े आलिम का बयान, कीमती बयान आप सुन रहे थे, अभी इसके बाद भी एक कीमती बयान आपको सुनना है। बीच में जुमले मोतरिजा बन के मैं आया। अब हजरत के साहेबजादों का हुक्म था, अभी तेरे को आना है, मैं आ गया। तो आप देखे होंगे, बच्चा जब छोटा रहता, 6-8 महीने साल 2 साल का, उन्हें लगता कि चपटा की काला की गोरा की कैसा की रहने दो, मगर अम्मा सुबह में उठा तो उसको अच्छा हाथ मुंह धुला के उसको पाउडर वाउडर लगा के काजल लगाए, भाई एक टिपका लगाती यहाँ पर काला। अरे वो कहीं को आंटी बोले तो नहीं, मेरे पोते को नजर नहीं लगना बोले। तो ये हजरत जो है ना, अब इतनी नूरानी मजलिस और ऐसे ऐसे उलमा मुल्क के यहाँ तशरीफ लाए, इतना हसीन मंजर और आप हजरत की मौजूदगी, ये प्रोग्राम को नजर नहीं लगना बोल के लाके मेरे को बिठाए। वो काला टिपका हूँ मैं यहाँ। बहरहाल अब हजरत की कुछ तवज्जो रही तो कुछ देर आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। ये जिस जगह आप बैठे हैं, यह कुरान और हदीस की इशात और हिफाजत का मरकज है, यह मदरसा है जो आज दुनिया के बहुत लोगों, पढ़े लिखे लोगों की नजर में खटकता है। यह मदरसा है जो अच्छे अच्छों को हजम नहीं होता। यह वो मदरसा है जिसके ऊपर बहुत कम मोहब्बत की नजरें लोगों की पड़ती हैं, बहुत ज्यादा तासुब की नजरें पड़ती हैं, गिरी हुई नजरें पड़ती हैं इस मदरसे पर। यह वो मदरसा है जिसको लोग आज अहमियत नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि उनके दिलों में दीन और ईमान की अहमियत नहीं। मैं कुछ कड़वी बातें आपके सामने बोलूंगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आपका छोटा भाई हूं। यह मदरसा है क्या? आज इन मदरसों को हमारे अपने गैर नहीं, हमारे अपने जरूरत से ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन मदरसों को अहमियत नहीं देते, इनको वकात नहीं देते, इज्जत नहीं देते, इनकी तरफ अच्छी नजर उठा के नहीं देखते। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सोचो, ये मदरसे कहां से शुरू हुए, ये है क्या, इसका आगाज कहां से हुआ? हम लोग समझ रहे हैं धरती पे आगाज हुआ, मौलाना शमसुल हक साहब को मिला मदरसा, मौलाना नूरुल हक साहब को दिल में आया मदरसा, उन्होंने खोल लिया, इन्हों खोल लिए। हम नहीं समझते किसी के दिल में आया, उन्होंने मदरसा खोल के बोर्ड लगा लिए, नहीं। आप जहन में रखो, कुरान करीम ये कहता है कि इन मदरसों का आगाज अर्श पे हुआ, दुनिया में नहीं हुआ। पहला मदरसा जो कायम हुआ, अल्लाह ने अर्श पे कायम किया। उस्ताद कौन थे? अल्लाह तबारक व तआला। शागिर्द कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान कहता है अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को नामों की तालीम दी, नाम सिखाए। तो एक मौली साहब मदरसे में बच्चे को क्या करता? कुरान सिखाता, अलिफ बताता, पढ़ाता, उन्हें भी बताता, अल्लाह भी हजरत आदम को बताए। तो मदरसा वहां शुरू हुआ, वहां से होता हुआ जब दुनिया में इंसान आबाद हुए, फिर ये सिलसिला चलते 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 मक्के में दारे अरकम पे आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बात को मुख्तसर करते हुए चलूंगा, दारे अरकम जो हजरत जैद इब्ने अरकम का मकान था, वहां पर एक मदरसा कायम किया अल्लाह के नबी ने, और सहाबा इकराम जो मुसलमान होकर आपके गुलामी में आते, उनको आप कुरान की तालीम देते थे। ये मदरसा कोई गैर मामूली मदरसा नहीं, इसकी अहमियत आज हमारे दिलों से निकल गई। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं, जो कुरान और हदीस और दीन और इस्लाम की अहमियत को जानते हैं, उनको मालूम है ये मदरसे क्या हैं। लिहाजा ये दारे अरकम में 13 साल तक मक्के में चलने वाला मदरसा, फिर उसके बाद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीने मुनव्वरा के तशरीफ ले गए, तो वहां बाकायदा मदरसे का आगाज हुआ, मदरसा तो सुफा के नाम से। सुफा एक चबूतरा जिनको अल्लाह ने वहां की जियारत कराई, वो जानते हैं, आपके हुजरे मुबारका से लगा हुआ चबूतरा, वो सुफा चबूतरा कहलाता है, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदरसा था। वो मदरसा वहां चला और सहाबा इकराम वहां पड़े रहते थे, हॉस्टल भी था वो, दारुल इकामा भी था वो।
तो जाने आने वाले सहाबा भी और 24 घंटे वही रहने वाले सहाबा भी थे उसमें। और कैसे थे? आज मदरसे वाले मदरसा खोलने के बाद अगर किसी साहिब खैर के पास मदरसे के तावन के नाम पे जाते हैं तो माथे पे बल आते हैं, माथे पे शिकन आती है। क्या सब काम धंधे नहीं है आपको? मदरसा खोल लेना, रसीद बुक लेके निकल जा रहे। वो बेवकूफ को मालूम क्या मदरसों की अहमियत क्या है? ये मदरसे है तो तू आज मुसलमान बन के जिंदा है, ताजिर है। अल्लाह की कसम, धरती से मदरसे सब खत्म हो गए। इस्लाम और ईमान का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा आपको, जनाजे पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आपको, कलमा बताने वाला नहीं मिलेगा आपको। जिंदगी खैरों की तरह गुजर जाएगी, ये अल्लाह का करम है। आज चेहरों पे दाढ़ी नजर आ रही, आज सर पे टोपी नजर आ रही, ये सदका है इन मदरसों का जो इस्लाम की इस इशाअत और हिफाजत के लिए धरती पर कायम है। और इंशाअल्लाह कोई चाहे ना चाहे कयामत की सुबह आएंगी ये मदरसे चलते रहेंगे। ये मदरसे किसी के चंदों के भरोसे पे नहीं रहते, ये तो अल्लाह का एक निजाम है जो अल्लाह इन मदरसा खोलने वालों के दिलों में मदरसे के खोलने की अहमियत और फिक्र और जुस्तजू डालता है। और जब मदरसा खुलता है तो अल्लाह अपने बंदों को उधर मुतवज्जे करता है। आप अगर 2 रुपए चंदा देते हैं, मैं कसम खा सकता हूं ये आप नहीं दे रहे, अल्लाह आपसे दिलवा रहा। लिहाजा ये मदरसे इनको अल्लाह के वास्ते अगर इनका ताबुन नहीं कर सकते तो कम से कम इनको दिन के लिए दुआ करो, इन मदरसों पे अच्छी नजर डालो, यही तुम्हारी कामयाबी के लिए काफी। लिहाजा ये सुफा मदरसा मदीने मुनव्वरा का, उसके बाद से ये मदरसों का सिलसिला शुरू होते होते आज 1400 साल, 1450 साल के बाद आप जो मदरसे देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो मदरसे हैं उसी मदरसे तो सुफा के ब्रांचेस हैं ये पूरे। और वही निजाम जो आका ने वहां चलाया था कुरान और हदीस का, वही निजाम आज भी चल रहा और वही निजाम कयामत तक इन मदरसों में चल रहा। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता और क्या सिखाया जाता? क्या मदरसों में सिर्फ कुरान पढ़ना सिखाया जाता? क्या मदरसों में सिर्फ हदीस पढ़ाई जाती? क्या मदरसों में सिर्फ मसले बता दिए जाते? क्या किया जाता है मदरसों में? एक मुसलमान को इस्लाम पर मरने तक बाकी रखने के गुर बताए जाते हैं। मदरसा एक फैक्ट्री है जहां इंसान बनाए जाते हैं, उनके अंदर वो किरदार आता है जो नबी वाला होता है, उनकी सोच वो बनती है जो नबी की सोच थी, उनका मिजाज वो बनता है जो नबी का मिजाज था, वो बनाया जाता है। आज आम पढ़े लिखे मुसलमान जिनको अल्लाह 4 पैसे दिया या जो दुनियावी लाइन से बहुत तरक्की कर गए पढ़ लिख के, उनकी जबानों पे ये जुमले आते हैं, अरे मुसा क्या मदरसे में क्या बच्चे को हाफिज बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, क्या होने का मतलब, क्या करेगा उन्हें? एक मस्जिद की तरह मस्जिद में इमामत कर दो 8,000, कौन से तो मदरसे में पढ़ाया 6-8 घंटे तो 6,000 का, तो ट्यूशन पढ़ा लिया तो 1-2-3 हजार, क्या मतलब, क्या जिंदगी गुजरती उसकी? अरे हौले, उन्हें पेट के वास्ते नहीं आया, उन्हें अपने मफाद को नहीं आया, उन्हें उम्मत को फायदा पहुंचाने आया। ये हमारी सोच देखो, आज मदरसों में पढ़ेगा तो क्या करेगा? अल्लाह की कसम, तू सबसे बड़ा जाहिल है अगर तू ये सोच रहा कि मदरसों में पढ़कर उन्हें बेकार होगा। उन्हें है, जिंदा है, दुनिया का निजाम कायम है, वो मदरसे है। और मदरसों में पढ़ने वाले ये मासूम बच्चे हैं जिनकी जबानों से सुबह से शाम तक काल अल्लाह और काल रसूल, अल्लाह और अल्लाह का नाम, अल्लाह के हबीब का नाम निकल रहा। ये निकल रहा इसलिए दुनिया का निजाम चल रहा, ये निकलना बंद हो जाए दुनिया खत्म हो जाएगी। आप ये समझ रहे हैं हम पैसे दिए तो चलता, नहीं तो नहीं चलता? अल्लाह की कसम ये तुम्हारी गलत सोच है, ये चलाने वाला अल्लाह है। चलाने वालों की फिक्र अच्छी होगी, जुस्तजू और इखलास होगा तो अल्लाह चलाएगा, चाहे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, बंद कराना चाहे, तावन बंद करना चाहे, कैसे उसका चंदा उसको मुबारक। ये अल्लाह के नबी का निजाम है, ये अल्लाह चलाएगा, हमारा यकीन है। मैं भी एक मदरसे से वाबस्ता हूं, बहुत मर्तबा ऐसे हालात आते, बहुत मर्तबा आए कि साहब सुबह नाश्ते को चावल भी नहीं है मदरसे में और पैसे भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का क्या गैबी निजाम है, सुबह हमारी आंख उठने से पहले गेट पे चाह तावन करने वाला खड़ा हुआ है। रातों में रोना,
ये रातों में अल्लाह से मांगना या अल्लाह की रजा के लिए मदरसों को चलाना, इसका इंतजाम गैब से अल्लाह करता है। आपको यकीन हो कि ना हो, हमको यकीन है, इसलिए कि हम मदरसों से वाबस्ता लोग हैं। और फिर आज दुनिया की अहमियत, दुनिया की वकार और दुनिया के चार पैसों से मोहब्बत ये गैरों ने, यहूद और नसारा ने हमारे जहनों में इस तरह बिठा दी, इस तरह बिठा दी कि बच्चा पैदा हुआ, दो ढाई तीन साल का हुआ, मुंह में रोटी रखने के काबिल बना, तो माँ बाप बैठ कर ये सोचते हैं कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालना, कौन से स्कूल में डालना। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मदरसा आपके बच्चों को और नस्लों को क्या देता है, ये बताना चाह रहा हूँ। तीन साल का बच्चा हुआ, साढ़े तीन साल का हो गया, तो अब फॉरेन मिनिस्टर को होम मिनिस्टर बोलते हैं, अजी पोता चार साल का होने को आ गया ना, कौन सा तो अच्छा स्कूल देखो मिशनरी का, तेरा अच्छा वहां पर सी ए टी कैट डी ओ जी डॉट कुत्ता बिल्ली अच्छा पढ़ाना। अरे आंटी बच्चे को मकतब में भेजो, वहां अल्लाह नबी का नाम लेता हूँ जबान पे, हे क्या मत साहब वहां पर लंगड़े लुले नक्के चपटे कैसे कैसे के रहते, हमें स्टैंडर्ड लोग, हमें पढ़े लिखे लोग, हमें ग्रेजुएट करे सो लोग, हमें टाई बूट सूट पहनने वाले लोग, हे वो मदरसों में गंदे बच्चे मैले कपड़े पहन ले को बोरिए को बैठते सो वहां भेजना क्या, हाँ हमें स्टैंडर्ड स्कूल में भेजते हैं। अच्छी बात है साहब भेजो, आपकी मर्जी है, आप ओ पटे को एक अच्छे शहर के स्कूल में जहाँ पूरे इंग्लिश के क्रिश्चियन टीचर हैं, केरला के टीचर हैं, यहाँ के वहां के लाए, वहां पर ले जाके वो बच्चों को एडमिशन करा रहे। एडमिशन के फीस कितनी बार 50,000 रुपए, कंसेशन के बाद 50,000 रुपए। अरे वो देना साहब, हाँ दूसरा मत स्कूल देख लो बोल दो, नहीं 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 क्या तो करते लो, भीख मांगते लो, कर्जा लाते लो, लोन सूद पे पैसे लाते लो, मिट्टी पे लाते लो, क्या भी हमारे बच्चे को ले आ, उन्हें बच्चे को ले रहे हो, फीस कितनी महीने को 4,500 रुपए, फिर भूखा बस्ता उसका ड्रेस 10,000 रुपए, वो सब भी उन्हें कराया, 50,000 का एडमिशन कराया, वो सब कराया, बच्चा स्कूल को गया, शाम को घर को आया, अम्मा भी खुश, बाबा भी खुश, अम्मा मुंह बनाया ले रहे हैं यूं करके बच्चे की स्कूल को जाकर आया, बा क्या पढ़ा बा बच्चा, अच्छा वो अच्छा पढ़ाए अम्मे टीचर हमारे, क्या पढ़ाए वो सी ए टी कैट डी ओ जी डॉट कुत्ता बिल्ली पढ़ाएंगे। अरे बदनसीब मुसलमान, ये ढाई तीन साल की उम्र का ये तुम्हारा मासूम आज इसकी जबान पर अल्लाह का नाम नहीं आया, उसके नबी का नाम नहीं आया, और नबी का नाम और अल्लाह का नाम लेने की तुझे तौफीक नहीं हुई कि मेरा बच्चा इस काबिल बन गया कि अल्लाह का नाम ले सके, उसे उससे महरूम करके कुत्ते और बिल्ली के लिए तुम वहां ले जाके डाल रहे, डाल दिए साहब। अब बच्चा वो नर्सरी से के जी फर्स्ट सेकंड एस एस सी कर लिया, इंटर कर लिया और डिग्री भी कर लिया। मैं दुनिया की तालीम वालों से माजरत चाहते हुए बोल रहा हूँ, एक हकीकत बोल रहा हूँ, डिग्री कर लिया, हाथ में फोन नहीं था, इतना बड़ा फोन भी आ गया, इतना बड़ा फोन आ गया, आप गौर करो मदरसे क्या देते, मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा फोन ला लिया तो हो गया। अब वो बच्चा तालीम हो गई, डिग्रियां फुल ला तो फ्रेम करके लगा लिया घर में, उसके बाद चाटिंग कर लेते बैठा पोटियों से रातों को, रात रात अब बाबा बुढ़े हो गए, जब जवान के एडमिशन केजी में कराए थे, अब 60-65-70 साल की उम्र को आ गए, अब वो उम्र को आ गए, अब बच्चा बैठा अपने रूम में चैटिंग कर रहा हमने, रातों की नींद खराब सब खराब। अरे चुनो बाबा पुकार रहे बिस्तर पे से, चुनो बाबा बुला रहे बेटे को, जवान बेटा खेड़ा था था तो हत्ती बना तो 22-23 साल का बाबा उसको पुकारे, चुनो हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बाबा पुकारे, चुनो, फिर उन्हें तीसरी मरतबा पुकार, क्या जी बुढ़े मियाँ दिमाग खराब हो गया, दिख रहा नहीं मैं कोठी से चैटिंग कर लेते बैठा, तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर रही थी, ले किसको तो पुकारो, बोले तो बाबा की आंखों में आंसू आए, और आंसू आए तो अब रोले थे, घर से निकला, मौलाना नूरुल हक साहब की खिदमत में आया, उलमा के पास आ रहा, मुल साहब दुआ करो मुल साहब, अरे क्या हुआ जी मुन्नू भाई, अच्छे दिन आज कल मुलाकात हुई अपनी, आप आए थे चाय वाय पी अपन, अच्छे दिन आज हंसते बोलते गए, नहीं मौलाना दुआ करो हजरत दुआ करो, अरे क्या हुआ मुन्नू भाई बोले बोला दुआ करो, क्या हुआ मतलब पोटा हाथ से निकल गया, पोटा हाथ से आज निकला तुम्हारे, तुम अपने हाथ से 3 साल की उम्र का था तो निकाले थे, तुम उसको मकसद की तालीम देकर मोमिन नहीं बनाए, मुसलमान नहीं बनाए, उसको अल्लाह वाला नहीं बनाए।
आए, अल्लाह का नाम उसकी जबान पे नहीं आया, उसकी जबान पे कलमा नहीं आया, उन्हें नमाज नहीं सीखा, उन्हें कुरान नहीं सीखा, उसको दीन नहीं मालूम, उसको माँ बाप क्या है नहीं मालूम, उन्हें अल्लाह रसूल को नहीं समझा तो आज माँ बाप को क्या समझेगा। आज जब वो बच्चा 3 साल का गोद में था, उसे बुनियादी दीनी तालीम माँ बाप दे सकते थे, वहां नहीं दिलाए, उसकी अहमियत को महसूस नहीं करे, उसको ले जाके गैरों के माहौल में डाले, उन्हें आज पढ़ लिख कर जब उस काबिल बना के बाप की लाठी बनता, बाप का सहारा बनता, उन्हें आज बाप को मुंह पे जवाब दे रहा, काम नहीं है कहीं को पुकार ले तुम। ये नतीजा है आज कौम के बच्चों का कि अगर दीनी माहौल और दीनी तरबियत और दीनी तालीम से बच्चों को बचपन में महरूम किया गया तो वो बच्चे जब अल्लाह उसके नबी के नहीं बनेंगे तो वो किसी के नहीं बनेंगे। और फिर हम ये नहीं बोलते कि आप स्कूल मत पढ़ाओ, आप कॉलेज नहीं, आप जो पढ़ाते पढ़ाओ, आप कांग्रेस से पढ़ाने के आप पढ़ाओ, आपकी औलाद है, लेकिन अल्लाह का वास्ता देकर बोलता हूं तुम डिग्रियां जो चाहे अपने बच्चे को दिलाओ, डिग्रियों से पहले उसे मुसलमान बना, ईमान वाला बना दो, अल्लाह से डरने वाला बना दो, उसे नमाजी बना दो, उसकी जबान पर कुरान सही हो जाए, कम से कम इत्ता तो बना दो। तुम मत बनाओ हाफिज, तुम मत बनाओ आलिम, लेकिन मोमिन तो बना सकते थे, नहीं तो फिर कल वही हालात आते। और फिर मदरसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का जो मफहूम है कि मोमिन वो है जिसके का कैरेक्टर और जिसका किरदार अच्छा हो जाए, जिसके अखलाक ऐसे हो जाए कि जो किसी कोई उसको देखे तो इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बने। आज हमारा किरदार देखो, आज हमारे अखलाक देखो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो अमेरिका का किसी जमाने में सदर था, ईसाई क्रिश्चियन, हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारा कैरेक्टर आज कहां गया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक किताब लिखा, उसमें उसने लिखा है एक पैराग्राफ में कि अगर कोई मुझसे ये पूछे, एक ईसाई बोल रहा कि कोई मुझसे अगर ये पूछे कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई एक ऐसी हस्ती जिसके ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई बताओ कौन है ऐसी हस्ती, कोई ऐसी हस्ती बताओ जिस पर कयामत तक कोई उंगली ना उठा सके, अगर मुझसे ये कोई सवाल करे, एक ईसाई का जवाब ये है कि अगर पूछे कोई ऐसी जात जिस पर उंगली ना उठाई जा सके वो कौन है, तो मैं दूसरे लम्हे ये कहूंगा कि वो जात जिसके ऊपर कयामत तक कोई उंगली नहीं उठा सकता वो मुसलमानों के आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। ये ईसाई बोल रहा कि दुनिया में कोई एक हस्ती जिसके किरदार पर, कैरेक्टर पर, जिनकी तालीमात पर, जिनकी शख्सियत पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता वो एक जात है मुसलमानों के आखिरी नबी की। फिर वही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये बोलता है कि अगर उसी लम्हे उसी वक्त मुझसे कोई ये पूछे कि साहब पूरी कौमों में, दुनिया के पूरी कौमों में सबसे बदतरीन कौम कौन सी है, अगर ये कोई मुझसे पूछा उसी वक्त मैं बोलूंगा कि दुनिया में बसने वाली कौमों में सबसे बदतरीन कौम मुसलमान। क्यों? मुसलमान ने नबी से अपने रिश्ते को तोड़ लिया, नबी के अखलाक से अपने आप को दूर कर लिया, न नबी के अखलाक, न नबी का किरदार, न नबी की तालीम, न नबी का तरीका है, ये बिल्कुल गैरों के रास्ते पे चलकर अपने अखलाक को आज ऐसे बना लिए कि लोग इस्लाम से मोहब्बत करने के बजाय नफरत कर रहे हैं। आज पूरे मुल्क में वही माहौल है, उस माहौल में जहां और चीजों का दखल है वही दखल हमारे किरदार और कैरेक्टर का है, हमारे अखलाक का है। हम इस काबिल नहीं रहे कि अपने अखलाक से किसी को इस्लाम की तरफ झुका सके। और मदरसा क्या देता है? स्कूल और मदरसे की तालीम में फर्क देखो, और स्कूल की तालीम मकतब की तालीम के बाद हो, बुनियादी दीनी तालीम के बाद हो, अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन आला नूर। और अगर मकतब की तालीम दीनी तालीम के बगैर सिर्फ स्कूली आसरी तालीम हो तो फिर औरत कैसी बनती? एक गांव में पानी की सहूलत नहीं थी तो गांव के बाहर एक 2 किलोमीटर दूर खेत में कुआं था, तो आमतौर पे आप देखे गांव में पानी भरने का ज्यादातर काम औरतें करते, मर्दों बेचारे सुबह उठे ना फ्रेश हुए, नाश्ता पानी करे, काम पे चले गए, कोई खेती को चले गया तो कोई मुलाजिमत को चले गया, कोई कारोबार को चले गया, औरतें घर में रहते, अब घर का काम काज करने के बाद वो लोग घर का पानी, अब पानी नहीं तो काम नहीं चलेगा, तो नला तो है नहीं, सहूलत नहीं, तो घर का पानी भरने के लिए कई 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर खेतों के कुओं से घरों में पानी भर के लेके आना, और एक औरत जाती तो खाली एक बर्तन लेके नहीं जाती, उन्हें
सर पे एक रख लेके, हाथ में एक पकड़ लेके, दो हाथों में, इस वास्ते को उत्ता लंबा लाना है पानी जाके। एक एक बर्तन लाते रहेंगे तो कब तक लेंगे पूरे घर का पानी 24 घंटे का? तो लिहाजा दो तीन बर्तन होना लेके जाते, एक छुट्टा वो गोल रिंग सर पे रख के वो घड़ा उसके ऊपर रख लेते, उसके बाद दो हाथों में दो बकेटा डब्बे के हाथों में पकड़ लेके पानी भरते। और आमतौर पर आप ये देखे होंगे कि कभी भी औरत अकेली बहुत कम दिखती, उसको कोई ना कोई होना साथ में, कई को तो डाटा ट्रांसफर करना रहता है, बेटे बहुत कुछ रहता हमारे मैडम लोगों के, होम मिनिस्टर के। और ज्यादा मर्द में तो भी थोड़ी देर खामोश रहेंगे, अम्मा औरत खामोश नहीं बैठना, उन्हें घर का काम कर करे। मर्द में बच्चे सब स्कूल को चले गए, मर्द काम पे चले गया, कोई भी घर में नहीं है तो अकेली औरत को घर में दिल नहीं लगता, उन्हें घर के बाहर चबूतरे पे आपको बैठते, अब कौन भी जा रही, हाँ तुम खुद नहीं भी है, अरे क्या जी वो रात में चुनमिया पीले पा को जोर मारा कहते, अम्मा पूरे मुल्क की खबर, पूरे मोहल्ले की खबर मैडम के पास। तो वो डाटा जो है ना, डाटा बहुत रहता है, तो डाटा ट्रांसफर करना है उनको, तो अकेले पानी भरने नहीं जाते, दो तीन होना साथ में, बातें कर लेते, जाना बातें कर लेते, क्या बाता बता चोगलियां उनको ताने उनको, यही औरतों का आज वही हाल है, 99% जबान खुली तो किसकी तो भी चोगली, नहीं तो गिबत, नहीं तो झूठ, नहीं तो गाली, नहीं तो ताने। बहुत कम अल्लाह वालियां ऐसी होती हैं जिनकी जबान से खुशबू निकलती है, फूल निकलते हैं। लिहाजा तीन औरता वो गांव के तीनों अड़ोस पड़ोस वाले या गांव के वो बर्तन ले लेकर कुएं को गए पानी भरने, अब पानी भर के सर पे खड़ा हाथ में बकीट डब्बा वजन लेके बोझल कदमों से तीनों औरता बातें कर लेते हुए आ रहे। थोड़ी दूर के बाद रास्ते में एक नौजवान हट्टा कट्टा 18-20 साल का घेड़ा के वैसा उन्हें दिखा तो जाते जाते ये तीन औरतों पर नजर पड़ी तो उन्हें मुस्कुराते गए, ऐसा बताया मजबूत चले गए। अब वो एक औरत बोले, आई कुत्ते भी देखे, वो गया तो माटी मिला, ये 22 साल का भेड़ा, वो मेरा बच्चा थी, वो फला कॉलेज में पढ़ा, उन्हें क्या पोजीशन लाया जी, क्या अच्छा पढ़ता जी, उन्हें पूरे कॉलेज में उसका नाम है, इंग्लिश भी क्या बोलता, हिसाब किताब में भी इतना माहिर, कंप्यूटर तो हूं चलाता, उन्हें बड़े बड़े मास्टर ने चलाना, ऐसा वैसा उन्हें हूं बताया, उन्हें चलाई में तारीफ ना करने में चले गया। उन्हें थोड़ी दूर गुजरने के बाद अभी चल रहे घर अभी दूर है, और एक नौजवान आया 18-16 साल का बच्चा, हैंडसम हट्टा कट्टा मजबूत किस्म का, उन्हें जाते जाते पलट के देखा तो तीन उनमें भी हूं बताया चला। तो अब दूसरी बोली, पहले तो बोलती थी, दूसरी बोली, आई बच्चा तुम भी, वो जाना नहीं, वो पता हो वो मेरा बच्चा है, बोले वो फला मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा, ईसाइयों के स्कूल में पढ़ रहा, क्या इंग्लिश बोलता, बस्ती में तो लोग हाथों पे उठाते हैं, क्या इज्जत करते हैं उसकी, क्या इंग्लिश बोलता, क्या बेहतरीन है, ऐसे मार्क्स लाता, फर्स्ट आता उन्हें स्कूल में, बहुत अच्छा पढ़ता, ऐसा वैसा उन्हें ठेंगा बताकर चले गया। जो हो गए थोड़ी देर के बाद एक बच्चा मिला, मासूम, कुर्ता पैजामा टोपी पहन के है, उन्हें जा रहा सामने से, दूर से जा रहा, उन्हें जाते जाते देखा तीन औरतें हैं, जैसे उसकी नजर पड़ी भागते में करीब आया। आप फर्क समझना किरदार और अखलाक का, कैरेक्टर का, उन्हें भाग लेते आया। और वो तीसरी औरत जो अभी तक खामोश थी, उन लोग तीनों को सलाम करा, सलाम करके वो सर पे से खड़ा लेके अपने घर पे रख, अपने सर पे रख लिया, और दो हाथों से वो दो बर्तन लेके अम्मी मेरे साथ आइए बोला। तो ये तीसरी औरत बोली, बहनों सुनो, ये मेरा बच्चा है, फला मदरसे में दीन की तालीम हासिल कर रहा हूं। मेरे दोस्त तुम मदरसों को ये समझते कि ये लोग खाली हाफिज आलिम बना के छोड़ते, नहीं, अल्लाह की कसम आने वाले बच्चे को मोमिन और बाखलाक और बाकिरदार बना के, नबी वाले अखलाक उसको सिखाते, नबी का मिजाज उसके अंदर पैदा करते, नबी का तरीका और नबी की सुन्नतें उसकी जिंदगी में लाते, उसे मालूम है अल्लाह क्या है, उसे मालूम है नबी क्या है, उसे मालूम है माँ बाप का मकाम क्या है, उन्हें उनके खिदमत को सराहों पे रखता, माँ बाप को सर पे बिठाता। और अगर तुम बुनियादी दीनी तालीम के बगैर अपनी औलाद को मदद स्कूलों की नजर करोगे तो फिर वही हाल होगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम सहारे के उम्मीदवार हो जाओगे, तो वो औलाद तुम्हें ठेंगा दिखाएगी, तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी। खुदारा इन मदरसों की अहमियत को समझो, ये मदरसे हैं, हम इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, ये मदरसे हैं, हम फखर से अपने आप को मुसलमान कहलाने के काबिल बने हैं, ये मदरसे नहीं होंगे तो इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह करे
कही हुई बातों पर समझकर हम सबको अमल करने की और मदरसों की अहमियत को और मदरसों में पढ़ने वाले तलबा के मुकाम को समझने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।